नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश में राज्य सरकार 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की समीक्षा बैठक। राजधानी दिल्ली में स्थित जीटीबी अस्पताल से गुरुवार को पुलिस हिरासत से फरार हुआ कुलदीप मान उर्फ भज्जा मुठभेड़ में मारा गया। देर रात रोहिणी के सेक्टर 14 स्थित तुलसी अपार्टमेंट में स्पेशल सेल और कुलदीप के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान कुलदीप मान को लगी गोली, उसे तुरंत अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। राजस्थान की 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा। प्रत्याशी त्योहार के मौके पर लोगों से मत समर्थन की मांग कर सकेंगे। कांग्रेस ने सुजानगढ़ सीट से मनोज कुमार मेघवाल, राजसमंद सीट से तनसुख बोहरा और सहाड़ा सीट से गायत्री देवी को बनाया उम्मीदवार। जवाहरनगर थाना इलाके में एसीबी अधिकारी बनकर लूट करने की वारदात का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मामले में जवाहरनगर थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वारदात का मास्टरमाइंड परिवादी का बेटा ही निकला, पुलिस ने आरोपी विदित को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। शनिवार को सुरक्षा बलों के पास मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, 1 सैनिक शहीद। मुठभेड़ में 1 अन्य सैनिक भी घायल हुआ। घायल सैनिक को सेना के 92 बेस अस्पताल लाया गया। जोधपुर के बालेसर से घिनौनी और शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। दरिंदों ने 14 साल की नाबालिग बच्ची को शराब पिलाकर किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद शहर के उम्मेद अस्पताल में किया गया भर्ती। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने गैंगरेप मामले पर संज्ञान लेकर पुलिस से जवाब तलब किया। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रविवार को 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा 2021 को किया स्थगित। परीक्षा अब 20 जून रविवार को होगी। राजस्थान दिवस पर रिहा होंगे 1200 कैदी। बीमार और वृद्ध कैदियों को मिलेगी राहत। बीकानेर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने खाया जहर, 2 की मौत की सूचना। बाड़मेर में लिफ्ट देने के बहाने 3 लोगों ने विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद विवाहिता ने थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। राजस्थान में होली और शबे बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर हो सकेंगे कार्यक्रम, सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया आदेश। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होंगे कार्यक्रम, अधिकतम 50 व्यक्ति ले सकेंगे हिस्सा।
सरदारशहर में श्याम मंदिर में फाल्गुन महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, महिलाओं ने दी शानदार गीतों की प्रस्तुति। सरदार शहर में होली निकट आ रही, शहर की फिजा में होली के लोकगीतों की धुन घुलने लगी। चंग की थाप और राजस्थानी वेशभूषा में कलाकार होली के गीत गाते नजर आए। श्रीगंगानगर के गढ़साना में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के तहत उपखंड मुख्यालय सहित संपूर्ण गढ़साना रहा बंद। विभिन्न किसान संगठनों ने किए बाजार बंद। अटरू ब्लॉक के कवाई क्षेत्र में स्थित अदानी पावर प्लांट के सीएसआर से क्षेत्र में वादा खिलाफी को लेकर सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी। मकराना तहसील टेंट डीलर एसोसिएशन मकराना का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेशन वेलफेयर सोसाइटी के नए दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल रहे मौजूद। शिवगंज उपखंड क्षेत्र के बागसिंह पंचायत के भेव गांव में एक अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से वार कर नंदी को गंभीर रूप से घायल किया। जगह जगह कुल्हाड़ी के बड़े घाव का लोगों ने किया विरोध। चित्तौड़गढ़ जिला विशेष टीम और थाना भदेसर डूंगला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अवैध अफीम सहित तीन आरोपी गिरफ्तार। मामले में दो नामजद और 2 किलो अवैध अफीम और 1 किलो अफीम घोल सहित मोटरसाइकिल भी जब्त। बीदासर में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, नामांकन रैली में पहुंचने का किया आह्वान। सरदारशहर में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। पुलिस थाने से लेकर गांधी चौक तक निकाले गए कोरोना जागरूकता रैली। अर्नावदा शादी विवेकानंद सर्किल के पास नरेंद्र मेडिकल के पीछे भव्य भजन संध्या का हुआ आयोजन। कस्बे के हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा श्री श्याम के दरबार में लगाई हाजिरी। तिगर के लोसल में श्री श्याम बाबा के मंदिर में श्याम महोत्सव का विशाल भजन संध्या का हुआ आयोजन। आमंत्रित गायक कलाकारों ने श्याम बाबा के भजनों की दी प्रस्तुतियां। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।